हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी मक्की का पराठा आप बहुत जल्दी कैसे बना सकते हैं, विद इन 5 मिनट में। बिल्कुल भी टूटेगा नहीं है, खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होगा। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। देखते हैं अपने मक्की के आटे को बनाना। इसके लिए सबसे पहले मक्की का आटा लेंगे। इसको छान लिया है मैंने। ये मिक्स मसाले हैं, इसमें सौंफ, धनिया और काली मिर्च को मैंने रोस्ट करके थोड़ा सा क्रश कर लिया था। ये उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने मैश कर लिया है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, इसको भी ऐड कर देंगे, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे, इसमें थोड़ी सी हींग है, इसको भी डाल देंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स आप चाहें तो ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ये कटी हुई धनिया है, इनको भी ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और अभी सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरीके से और जो आलू हैं उनको आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी यहाँ पर गरम यूज़ करेंगे, जिससे जो आटा है मक्की का वो अच्छे से गुन जाएगा, टूटेंगे नहीं जब आप पराठा बनाएंगे तब। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को लगा लेंगे। आटे में हमने आलू और गरम पानी का यूज़ किया है। आप इसको बहुत आसानी से हाथों से ही बना लेंगे, बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसी तरीके से आटे को गूंदना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आटे को दो पोर्शन में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके आटे को गूंद लेंगे। इस तरीके से आपको गूंदना है। ये देखिए, आटे को जब तक गूंदना है, जब तक ये चिकना ना हो जाए। आटा अच्छे से गूंद चुका है, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से बॉल बना लेंगे। इसका जो भी एक्स्ट्रा एज है वो निकाल देंगे और लोई को इस तरीके से फैला लेंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे हाथ में और फिंगर की हेल्प से इसको चारों तरफ से एक जैसा कर लेंगे। ऐसा करने से जब आप पराठा बनाएंगे तो एक जैसा बनेगा, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, इस तरीके का पराठा नहीं रहेगा। ये देखिए, साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे पराठे को। चारों तरफ साइड को पतला करने के बाद में बीच में पराठे को पतला करेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं, टूटेगा नहीं बिल्कुल भी ये। ये देखिए कितना अच्छा पराठा बना है। अभी तवे को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। इसके बाद में जो हमने पराठा बनाया है वो तवे पे डाल देंगे। थोड़ा सा सिकने के बाद में इसको इस तरीके से पलट देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे पराठे के ऊपर। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम इसको सेकेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, इसको सेकेंगे इस तरीके से, ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा बना है, बहुत ही क्रंची और बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ज़रूर इसको बना के देखिए। इस पराठे को आप रायते, सब्जी या किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत जल्दी 5 मिनट में आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।